क्वेश्चन देखो जरा, a street light bulb is fixed on a pole 6 meter above the level of the street. If a woman of height 1.5 meter cast a shadow of 3 meter, how far she is away from the base of the pole? करो फिगर बनाने की कोशिश करो, इसका फिगर बनाने की कोशिश करें। मोनिस भैया कहीं क्लास नहीं है आज, ठीक है मोनिस भैया कहीं क्लास नहीं है, ठीक है आज छुट्टी बनाओ तुम, ठीक है आज छुट्टी बनाइए, छुट्टी बनाओ छुट्टी। सर शॉर्ट ट्रिक की सीरीज कब आ रही है? शॉर्ट ट्रिक की सीरीज जो है वो जल्दी आएगी, ठीक है। बस शॉर्ट ट्रिक्स की सीरीज जो है, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स वैसे ऑलरेडी बना रखी थी पिछले साल ना, तो उसकी बस प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग से, तो वहां से आप यूज कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को, एक स्ट्रीट बल्ब है इज फिक्स्ड ऑन द पोल, जैसे ये पोल है जो कि 6 मीटर अबव द लेवल, ये 6 मीटर हमने हाइट ले ली इसकी, और यहां पे क्या है, इफ अ वुमन, ये वुमन एक हाइट इसकी 1.5 मीटर, कास्ट और शैडो, इसकी शैडो जो है वो 3 मीटर है, और बोला है हाउ फार शी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, पोल के बेस से नहीं, ये कितनी दूर है, नहीं एक्स ले लिया मैंने, ये मैंने एक्स ले लिया और इसको ज्वाइन कर लो ऐसे, तो कुछ इस तरीके का ये ट्राइंगल बन जाएगा, कुछ इस तरीके का ये ट्राइंगल बना जाएगा, ठीक है। तो क्या इस ट्राइंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए बी सी और ये डी, क्या हम ये दो ट्राइंगल सिमिलर कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 और ये 90 और ये कॉमन हो जाएगा ना, तो इस छोटे ट्राइंगल को और बड़े ट्राइंगल को हम सिमिलर इजीली कर सकते हैं, यानी कि ट्राइंगल, ये पॉइंट पी ले लेते हैं, यानी ट्राइंगल पीडीसी को हम सिमिलर कर सकते हैं किसके, एडीबी के, एडीबी के। अब आप कहोगे कैसे, तो कैसे का मैं लॉजिक बता देता हूं। इधर एंगल डी इक्वल टू एंगल डी कॉमन, ये कॉमन हो गया, और एंगल पीसीडी इक्वल टू एंगल हो जाएगा एबीडी, कितना एबीडी, ये हो जाएगा। तो बाई ए क्राइटेरिया से ये दो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, समझ में आया। अब अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं, ये दो ट्राइंगल क्या आ गए, सिमिलर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इनका रेशियो ले सकते हैं, यानी कि पीसी अपॉन एबी इज इक्वल टू डीसी अपॉन डीबी, डीसी अपॉन डीबी। तो पीसी कितना है, 1.5 है, ये 6 है, डीसी तुम्हारा 3 है, ये 3 प्लस x है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, 1/4 आएगा, 3/3 प्लस x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 प्लस x इक्वल टू 12, तो x कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 मीटर, तो 9 मीटर दूर है, तो इसका आंसर आ गया 9 मीटर। समझ में आया, क्लियर है कि पोल से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है,